रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती है और भाई के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। इस साल रक्षाबंधन के दिन पंचक और भद्रा काल का निर्माण होने की वजह से ये पर्व दो दिन यानी कि 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले शिवलिंग पर राखी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से शिवजी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले गणेश भगवान को भी राखी बांधनी चाहिए। फिर उसके बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते में आ रही समस्याएं दूर होती है और उनके बीच का प्रेम बढ़ता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इससे जीवन में आ रहे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी को भी राखी बांधें। इससे सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती है।